जबकि 20-22% हम लोग आबादी के हिसाब में हैं, जाति जनगणना के हिसाब में हैं, उसमें देखिए कार्यक्रम तो होते रहता है। ये कार्यक्रम खास है इसलिए कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है ये पहला कार्यक्रम रविदसिया यानी रविदास बिरादरी का महासम्मेलन है और इसमें रविदास समाज के सभी युवाओं ने अच्छी भागीदारी निभाई है और इसका कार्यक्रम का एक ही मुख्य उद्देश्य है शिक्षा बस और कुछ उद्देश्य नहीं। जो हमारा जिसे आप बात किए कि हमारा समाज का शिक्षा स्तर बहुत गिरा हुआ है, इसको दोषी मानते हैं? ये दोषी हम तो अपने आप को मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा समाज नशा में डूबे हैं और उससे जल्द से जल्द निकले और मुझे गर्व है कि हम बचपन से आज तक नशा नहीं किए और ये इस कार्यक्रम में मेरी कंपनी भारी बजट के साथ बोलना नहीं चाहेंगे फिर भी इशारों में बोल देते हैं कि 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं समाज के लिए तो ये कार्यक्रम सफल बनाने में। क्या लगता है आपको इतना पैसा इन्वेस्ट किया क्या समाज को क्या बदल सकते हैं? देखिए जैसे जनार्दन बाबू ने बात रखा कि शिक्षा मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम हमको लगता है जो हमारी माता जो घर से बाहर नहीं निकलती है वो आज इस मंच में खचाखच भरे हुए तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी माताएं जाग चुकी है तो हमारे बच्चे भी जागेंगे और शिक्षित होंगे। और मेरा अजय रविदास है, मैं संत रविदासा फुटवेयर उद्योग के ओनर हूँ। जानिश करूंगा खास करके नारायणपुर वाले से कि आप लोग कम से कम पंडाल में जगत गुरु कुल गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाशोत्सव पर्व के अवसर पर आज कोसी क्षेत्र के सभी जिले के लोग इकट्ठा होकर के श्री गुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी आज प्रकाशोत्सव पर्व मना रहे हैं। आज प्रकाशोत्सव पर्व के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने जो 1.5 लाख अमृत वाणी दिया है उसके माध्यम से पूरे मानव समाज में संदेश देना है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने किसी खास जाति के लिए नहीं पूरे संसार के मानव के कल्याण के लिए उन्होंने संदेश दिया है। जैसे उन्होंने कहा है कि सात संगति मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा, पूरे पीपुल्स को पूरे जनता को पूरे समाज को, इसमें कोई जाति कोई धर्म कोई संप्रदाय कोई समुदाय नहीं है, पूरे मानव के कल्याण के लिए कहने कि सबको मिलजुल करके मधुमक्खी के जैसा रहना होगा तब जा करके समाज का सामाजिक परिवर्तन होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अब वो कठौती वो जो कठरा का है उसको नहीं कह रहे हैं, मन चंगा मन को कह रहे हैं कि मन चंगा, हृदय चंगा है तो हृदय रूपी ही कठौती है उसी को कह रहे हैं कि इसको पवित्र करना होगा, अगर ये पवित्र है तो गंगा स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन आ छोट बड़े सब संब से संत रविदास रहे प्रसन्न। मैंने जो विषमता मूलक समाज आज है इसको समता मूलक समाज बनाने के लिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने संदेश दिया है कि कोई छोट न रहे कोई बड़ न रहे कोई ऊंच न रहे कोई नीच न रहे, छुआछूत भेदभाव आडंबरवाद पाखंडवाद से मुक्ति पा करके एक समता मूलक समाज का निर्माण करने के लिए एक ऐसा राज मैं चाहता हूँ जहाँ कोई भूखा न रहे नंगा न रहे सबको भोजन मिले सबको पानी मिले सबको अन्न मिले सब मधुमक्खी के जैसा मिलजुल करके रहे, उनका यही अमृत वाणी है। अभी आपके मन से ये भी कहा जा रहा था दलितों का शिक्षा का परसेंटेज बहुत नीचे है, आपको क्या बोलते हैं? बिल्कुल, हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने आज से 644 बरस पहले उन्होंने कहा था कि विद्या धन अर्जित करो प्राप्त करो सदा ज्ञान, बिना विद्या को नर को जान अजान। जिस इंसान के पास शिक्षा नहीं है वो अनजान है, जानवर की जिंदगी जीने पर मजबूर है। आज
हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी से प्रेरणा लेकर के, तथागत बुद्ध ज्योतिबा फूले छत्रपति साहू जी महाराज से प्रेरणा लेकर के बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सबसे पहले लिखा है, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। आज इस मंच के माध्यम से, अखिल भारतीय रविदास या धर्म संगठन के माध्यम से आज यहाँ पर घोषणा किया जाएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में अंबेडकर पाठशाला, हर प्रखंड में अंबेडकर पाठशाला, हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर गांव में संत रविदास पाठशाला होगा। और हमारे अखिल भारतीय रविदास या धर्म संगठन के माध्यम से जो शिक्षित बेरोजगार लड़के हैं उन लोगों के माध्यम से पढ़ा करके हमारे समाज के लोगों को शिक्षित किया जाएगा। मेरा नाम जनार्दन रविदास, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय रविदास या धर्म संगठन। हम अपने माता बहन को सम्मान नहीं देंगे तो हम आग्रह करना चाहेंगे नीरज रविदास जी, खगड़िया के साथी बहुत अच्छे संख्या में आए हैं यहाँ। आइए हम अगले कार्रवाई के लिए हम अपने बड़े भाई अखिलेश रवा जी के पास, जिसकी तारीफ कितनी की जाए उतना ही कम होगा। बाहू के लिए जो कि हमको इस सभा में, हम खुद अजय रविदास ज्यादा उसको मानना भी हम लोग का कर्तव्य बन रहा है। आजकल के इस सभा में लोगों ने जो अपने अपने प्रतिभा दिखाए हैं, अपने